खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों अगेती किस्म के धान की कटाई शुरू हो चुकी है, तो वहीं धान की नई फसल भी मंडियों में पहुंचने लगी है। इसी बीच मंडियों में गेहूं की आवक भी तेज हो गई है। मंडियों में गेहूं की आवक तेज होने का आलम ऐसा है कि अगस्त और सितंबर में गेहूं की आवक ने बीते 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते महीने मंडियों में हुई गेहूं की आवक 2010 के बाद सबसे अधिक देखने को मिली है। इसे गेहूं संकट पर गहराया हुआ संकट खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इसे रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के असर को खत्म होने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध के चलते हुए स्टोरेज किया गया हूं नया रबी सीजन शुरू होने से पहले मंडियों में आने लगा है। गेहूं की आवक में आई इस तेजी से गेहूं के दाम भी स्थिर हो गए हैं। बीते दिनों गेहूं के दाम MSP से अधिक चल रहे थे, जिसके तहत गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहा था। वहीं कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त और सितंबर के महीने में 2.27 मिलियन टन गेहूं की आवक सरकारी गोदामों में हुई है, जो पिछले साल इन्हीं महीनों की तुलना में 57% अधिक है। पिछले साल इन्हीं महीनों में मंडियों में गेहूं की आवक 1.44 मीट्रिक टन थी। वहीं अगस्त और सितंबर के महीने हुई गेहूं की आवक 2010 के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 2010 के इन्हीं महीनों में 4.38 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में देखने को मिली थी। देश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक तब हुई जब देश बीते दिनों गंभीर गेहूं संकट का सामना कर रहा था। मसलन देश का गेहूं स्टॉक जुलाई में 14 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया था। इसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि सरकार गेहूं संकट को खत्म करने के लिए गेहूं आयात करवा सकती है। हालांकि सरकार ने इन अटकलों को तत्काल खारिज करते हुए स्वीकारा था कि गेहूं का स्टोरेज कम है। वहीं भारतीय खाद्य निगम ने कहा था कि देश की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं है। भारत दुनिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। मसलन भारत दुनिया के कई देशों को गेहूं की सप्लाई करता है, लेकिन इस साल रूस और यूक्रेन की वजह से भारत का गेहूं संबंधी गणित गड़बड़ा गया था। असल में युद्ध की वजह से फरवरी आखिर से मई मध्य तक भारत ने कई देशों को गेहूं का निर्यात किया था, तो वहीं गेहूं के दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गेहूं की मांग बनी रही। इस वजह से कई व्यापारियों ने सीधे किसानों से गेहूं भी खरीदा, लेकिन इस वजह से गेहूं की सरकारी खरीद बुरी तरह प्रभावित हुई। वहीं भारतीय गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय मांग के चलते देश में गेहूं के दाम बढ़ने लगे। इस पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, तो वहीं बीते महीनों में आटा समेत अन्य गेहूं उत्पादों पर भी रोक लगा दी गई। इसी बीच यूक्रेन का गेहूं भी अन्य देशों में पहुंचने लगा, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के दाम कम हुए, तो वहीं देश में रबी सीजन भी शुरू होने लगा है। ऐसे में गेहूं की आवक में हुई बढ़ोतरी को स्टोरेज गेहूं के बाजार में आने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।